नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं मोटोरोला H50 मोबाइल में स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज कैसे किया जाता है। इस मोबाइल में दोस्तों दो तीन सेटिंग दी गई हैं जिससे आप जो है कॉल को और स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हो। तो कैसे आप इस मोबाइल में सेटिंग करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद अब दोस्तों यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब दोस्तों यहां पर देखिए गेस्चर्स का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर देखिए पिकअप टू साइलेंस का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर ये टिक मिला, इस टिक को आपको ऑन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपका मोबाइल इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और अगर आपके मोबाइल में दोस्तों कॉल आ रही है, जैसे ही मोबाइल को आप उठाओगे तो दोस्तों जो है मोबाइल साइलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए फिलिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करेंगे और इस टिक को आपको ऑन करना है। उसके बाद अगर आप मीटिंग में हैं और आपके मोबाइल में कॉल आने लगी है तो आप मोबाइल को पलट के उल्टा रख दोगे टेबल पर तो वो जो है डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा इस मोबाइल में। ठीक है, तो ये सेटिंग हो गई। अब आपको बैक आ जाना है। इस तरह से बैक आ जाने के बाद अब आप अपने मोबाइल का डायलर ओपन कर लीजिए। डायलर ओपन होने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और ऑलवेज पर टिक लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी इस मोबाइल में कॉल आएगी तो जिसकी कॉल आएगी उसका नाम बोलकर बताएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इस मोबाइल में जो है स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपके पास कोई सा भी मोटोरोला का मोबाइल हो, सब में सेम ही सेटिंग है।